नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेश नायक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएफ से जुड़ी पांच बड़ी और नई खबरें जो अभी इसी हफ्ते में जो है ईपीएफओ ने कुछ नियम में बदलाव किए हैं, कुछ नई चीज़ें लेकर आई हैं। इनमें से कुछ खुशखबरी है और कुछ थोड़ा बहुत निराश करने वाला भी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर जो आ रही है दोस्तों वो ये है कि पीएफ के, और ये अच्छी खबर है, पीएफ की जो आपके क्लेम निपटान में होता है, आवेदन निपटान का जो समय सीमा है वो अब घट गई है। जी हाँ दोस्तों, पीएफ निकासी, पेंशन या तो फिर बीमा की जो आवेदन निपटान होगी वो पहले समय सीमा थी 20 दिन की, लेकिन अब उसे घटाकर कर दिया गया है 10 दिन। यानी कि मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपका जो है पीएफ का निपटान हो जाएगा, पीएफ पेंशन या फिर बीमा का। और दूसरी बात ये भी है कि आपके साथ ही जो आपकी समस्या का निवारण होता है, जो भी आपकी शिकायत होती है, तो शिकायत के निपटान में भी अब 20 दिन को घटाकर अब 15 दिन कर दिया गया है। यानी कि आप कुछ भी ग्रीवियंस आप रजिस्टर करते हैं तो आपका अब वो जो है तो 15 दिन के अंदर आपकी वो समस्या हल हो जाएगी, उसका निवारण हो जाएगा। तो ये तो एक अच्छी खबर है। अब अगला खबर ये है दोस्तों, पीएफ योगदान में जो कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारे आवेदन मिले थे ईपीएफओ को, तो उसमें एक चर्चा होनी थी, उसमें मीटिंग होनी थी जिसमें फैसला लिया जाना था। आवेदन इसलिए आ रहे थे इस वजह से कि जो पीएफ अभी आपके बेसिक से 12% कटौती होती है वो 10% किया जाए, ऐसा आवेदन आया था। लेकिन उसके लिए अब जो है वो फैसला आ चुका है, और जिसमें फैसला ये लिया गया है कि 12% जो कटौती होती है, 12% जो पीएफ जमा होता है आपके बेसिक से, वो अब 12% ही रहेगा, 10% नहीं किया जाएगा। तो ये तो एक अच्छी ही बात है, क्योंकि हमको पीएफ से ही डबल मिलते हैं। जैसे कि आपका अगर पीएफ 500 रुपये कट रहा है आपके बेसिक से, तो 1000 रुपये आगे जब निकालते हैं तो मिलता है। और उसके बाद तीसरी खबर है दोस्तों, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि जो है ईपीएफओ अपने अंशधारकों को जो है मकान बनाकर देने वाली है, अगले 2 सालों में 10 लाख लोगों के लिए मकान बनाने वाली है। लेकिन इस खबर को जो है मंत्री जी ने, जो आपके बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, तो उन्होंने जो है खारिज कर दिया है सिरे से कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आने वाले समय में हम लोगों को, जितने भी पीएफ के अंशधारक हैं, जो पीएफ के कर्मचारी हों हैं, तो उनके लिए वो जो है सहायता करेंगे उनको घर दिलवाने में, घर मकान बनाने में। उसकी एक तो आप अभी जान ही चुके होंगे कि 90% आप निकाल सकते हैं अपने मकान बनाने के लिए, तो शुरुआत तो हो चुकी है। अब देखते हैं आगे किस तरीके की हेल्प करते हैं। अब उसके बाद चौथा खबर है दोस्तों कि पीएफ के लिए जो है वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय को एक जोर दे रहा था कि 2016 और 17 में जिन लोगों का भी पीएफ जमा है उस पर ब्याज कम दिया जाए, यानी कि 8.65% से कम ब्याज दिया जाए। लेकिन इसको भी खारिज कर दिया गया है, और वित्त मंत्रालय ने अब जो है एक नई घोषणा की है जिसमें यह है कि 2016-17 में जमा पीएफ पर आपको 8.65% ही ब्याज मिलेगा। अब आखिरी में सबसे पांचवा खबर ये है कि आने वाले समय में आधार सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा, ये ईपीएफओ अब ये दर्शा चुका है। अभी फ़िलहाल कुछ राज्यों में जो है आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है ईपीएफओ के लिए, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो है पूरे देश भर में आधार कार्ड जरूरी हो जाएगा पीएफ के लिए। इससे होगा ये कि अभी जो आप नॉन आधार के जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे पीएफ रिलेटेड हों, चाहे आपकी बीमा रिलेटेड हों, पेंशन रिलेटेड, तो वो सारे फॉर्म बंद हो सकते हैं और ओनली आधार बेस पे ही ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन आप उसे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पीएफ से जुड़ी 5 खबरें जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, पीएफ से जुड़ी और भी खबरें जानने के लिए और टोटल वीडियोस डिटेल्स जानने के लिए, देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी लाइक और शेयर बटन पर क्लिक करके आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं शेयर बटन से। तो प्लीज़ दोस्तों, हम देखिए इतने सारे लोगों के कमेंट्स के जवाब देते हैं डेली 100-150, आप एक लाइक नहीं कर सकते यार, कर दिया लाइक, ओके, थैंक यू।